न्यूरो कंडीशन होती है वैसी हमारी लिंग्विस्टिक्स हो जाती हैं एंड लिंग्विस्टिक्स यहाँ पर मतलब सिर्फ वर्बल लैंग्वेज नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज तो द कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर लैंग्वेज एंड माइंड इज द फील्ड ऑफ एन एल पी और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग विच इज़ अनदर कम्युनिकेशन टूल एंड विच इज बेस्ड ऑन आर फाइव सेंसेस थ्रू विच वी इंटरप्रेट दिस वर्ल्ड और इसकी हम थोड़ी डिटेल में अब जाने की कोशिश करते हैं कि एन से हम किस तरह कम्युनिकेशन में हेल्प ले सकते हैं किस तरह हम कम्युनिकेशन में से फ़ायदे उठा सकते हैं अब हमारी पांच सेंसेस हैं जिनसे हम इस दुनिया को देखते हैं समझते हैं एंड वी ऑल नो दैट दोज फाइव सेंसेस आर विजन हेयरिंग टच टेस्ट एंड स्मेल थोड़ा हम टेक्निकली अगर बोलना चाहें तो विजन को हम विजुअल कहते हैं हेयरिंग को ऑडिटरी कहते हैं टच को कैनिस्थेटिक कहते हैं टेस्ट को गस्टेटरी कहते हैं स्मेल को ऑलफेक्शन कहते हैं अब ये पांच सेंसेस हैं इनके अलावा हमारे पास कोई छठा टूल नहीं है जिससे हम दुनिया को इंटरप्रेट कर सकें या समझ सकें देखें जब हम किसी चीज़ पे भी गौर करते हैं तो या तो हम उसे देखते हैं या सुनते हैं या उसे महसूस करते हैं या चखते हैं या सूंघते हैं अब इन पाँच आवास या इन पाँच सेंसेस के अलावा हमारे पास कोई टूल नहीं है जिससे हम दुनिया को इंटरप्रेट कर सकें। सो विद द हेल्प ऑफ दिज फाइव सेंसेस वी मेक अ मीनिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इसीलिए हमारे हर एक के मीनिंग विच वी कंस्ट्रक्ट आर डिफरेंट तो ये जो पाँच सेंसेस जिसकी हमने बात की ये एक्चुअली हमारे रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं समझते हैं इंटरप्रेट करते हैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मजीद क्लियर करने के लिए आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल फैक्ट विल पोज यू अनदर क्वेश्चन ऑन यू फॉर एग्ज़ाम्पल आई आस्क यू आपने जो लास्ट हॉलीडेज़ की थी या जो लास्ट आप छुट्टियों पर कहीं लाहौर से बाहर या शहर से बाहर गए थे वो मंजर ज़रा याद कीजिए या वो दिन जरा याद कीजिए अब आपके जहन में क्या आता है डू यू सी अ पिक्चर ज़ाहिर पिक्चर भी आप देखेंगे पिक्चर देखेंगे उसमें आपको अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हैं तो आपको पहाड़ दिखाई देंगे दरख्त होंगे खुले मैदान होंगे बारिश होगी और सिर्फ पिक्चर नज़र नहीं आएगी साथ साथ में आप ज़रा और ग़ौर करेंगे तो आपको एसोशिएटेड कुछ आवाज़ें भी याद आएंगी तो बर्ड चर्प कर रहे थे बादल गरज रहे थे बारिश गिर रही थी उसकी आवाज़ आएगी या आपके साथ जो फ्रेंड्स थे जो फैमिली थी उनकी बातें जिन पर आप हंसे या जिनको आपने ग़ौर किया वो भी वो आवाज़ें भी आपको याद आएँगी और ज़रा गौर करेंगे तो आपको अपनी फीलिंग्स जो आपकी थी उस वक्त वो भी याद आएंगी फीलिंग्स याद आने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें आपने एक बहुत टाइट सी जीन पहनी हुई थी तो आपको शायद वो फीलिंग याद आ जाए कि येस आई वॉज़ वेरिंग ए वेरी टाइट जीन और अ वेरी कम्फर्टेबल ड्रेस और हवा बहुत ठंडी थी और मेरे हाथों पर लग रही थी और मेरे बाल उड़ रहे थे या आ, मेरे इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी थी मुझे ठंड का एहसास हो रहा था ये चीज़ भी आपको याद आनी शुरू हो जाएगी कुछ और गौर करें तो शायद उस ट्रिप में जो आपने खाया जो आपने अच्छे टेस्ट किए वो भी आपको याद आ जाएं और जो एसोसिएटेड स्मेल्स थी वो भी आपके जहन में आ जाएं सो इट मींस ऑल दी डेटा विच वी रिसीव टू आर माइंड थ्रू दीज फाइव सेंसेस एज अगेन देयर अब इसमें से कितना डेटा हमें विजन का याद रहता है कितना हयरिंग का याद रहता है कितना टच का याद रहता है कितना, रहता है, कितना स्मेल और टेस्ट का याद रहता है ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हम इन पांच सिस्टम्स में से किस सिस्टम को प्रेफरेंस देते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम विजुअल हैं विच मींस अगर हमारा ज़्यादा फोकस देखने में है आउट ऑफ दिस फाइव सेंसेस तो हमें ज़्यादातर सीन याद रहेंगे हम आवाज़ों पर टेंपरेचर पे फीलिंग्स पे शायद इतना ध्यान नहीं हमारा होगा हमें चीज़ें पिक्चर फॉर्म में ज़्यादा याद रहेंगी अगर हम ज़्यादा अपनी हेयरिंग को इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल का मतलब यहाँ ये इस्तेमाल तो हम पाँचों चीज़ें कर रहे हैं लेकिन जो हमारा नेचुरली प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है अगर वो हेयरिंग है तो फिर हमें साउंड ज़्यादा याद रहेंगी और अगर वो टच है या काइनेस्थेटिक है तो फिर हमें फीलिंग्स प्रेशर टच ये चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी अब इससे एक इंपॉर्टेंट टूल बनता है कम्युनिकेशन का जिसको हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एन के नाम से आपके सामने पेश किया अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम वही एग्जाम्पल लेते हैं कि हम याद कर रहे हैं हमारी लास्ट हॉलीडेज़ क्या थी तो जो हमारे सामने एक पिक्चर आ गई पिक्चर तो एक के सामने आएगी मोस्ट ऑफ अस आर विजुअल पीपल जो विजुअल प्रेफर्ड नहीं है उनके सामने भी पिक्चर आएगी अब अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रा अपनी फोकस या अपना कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने के लिए या अपने आप को टेस्ट करने के लिए आपकी कौन सी मोडेलिटी मोडेलिटी कहते हैं हम रिप्रेजेंटेशनल पांच रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम को हम मोडेलिटीज़ कहते हैं विजुअल मोडेलिटी हेयरिंग मोडेलिटी टच मोडेलिटी तो अब ये देखने के लिए कि हमारी विजुअल मोडेलिटी कितनी स्ट्रांग है आप ये नोट कीजिए कि जो सीन जो फ्रेम आपके सामने आ रहा है या आया है क्या वो स्टिल है या वो मूविंग है कई दफ़ा स्टिल होगा कई दफ़ा मूविंग होगा अगर मूविंग है तो उसमें आप मूवमेंट को फॉलो कर सकते हैं नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर सीन के अंदर कलर हैं या नहीं है यही ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है इसकी ब्राइटनेस कितनी है जस्ट लाइक यू यू वॉच ऑन अ टी स्क्रीन एंड यू एडजस्ट इट आप अपने जहन में इस सीन को ज़रा उजागर कीजिए इसकी ब्राइटनेस को देखें कितनी है क्या कि आप उस ब्राइटनेस को तेज़ कर सकते हैं क्या आप कलर्स को शार्प कर सकते हैं फोकस कहाँ पे है राइट right पे है लेफ्ट पे है सेंटर में है क्या वो जो आपको सीन नजर आ रहा है वो एक छोटी पिक्चर है या इट्स अ मॉडरेट मीडियम पिक्चर या इट्स अ ह्यूज पिक्चर आप उस सीन को अपने करीब महसूस करते हैं प्रॉक्सिमिटी में या नहीं जो मूवमेंट्स हो रही हैं उस सीन में वो तेज हैं मीडियम हैं या स्लो हैं क्या आप भी उस पिक्चर में मौजूद हैं या यू आर द होल पिक्चर फ्रॉम अ डिस्टेंस इज दैट फ्रेम और इज दैट सीन अ थ्री डायमेंशनल और अ टू डायमेंशनल वन इस तरह यानी पर्टिकुलर कलर विच कैच योर अटेंशन और योर आई तो ये सारी चीज़ें एक चेक लिस्ट है जो आपको विजुअली ज़्यादा शार्प बना सकती है और एन मुमकिन है कि आप ऑलरेडी विजुअली बहुत शार्प हों और आपका रिप्रेज़ेंटेशनल सिस्टम प्रेफर्ड विजुअल ही हो आपने पिक्चर को देखा मुख्तलि तरीक़ों से उसकी ब्राइटनेस कितनी थी कलर कैसे थे फ्रेम कितना बड़ा था मूवमेंट थी या नहीं थी अब इसी तरह आप सोचिए ऑडिटरी या जो समात वाली चीज़ें हैं इसमें कोई आवाज़ क्या आपको आती है बैकग्राउंड वैन यू थिंक अबाउट दोज हॉलीडेज और वैन यू थिंक अबाउट दैट फ्रेम विच इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ यू डू यू हीयर एनी साउंडस अगर ये साउंडस हैं आवाज़ें हैं तो ये किन की आपकी अपनी या ये, ये दूसरों की वट इज़ दी कॉन्टेंट ऑफ दी साउंड वट आर यू सेंग और वट इज़ समी एल्स सेंग इन इन दी साउंडस टू यू हाउ इट इज़ सेट वॉल्यूम कितनी है क्या ये विस्परिंग टोन में है या ये ऑर्डनरी टोन में है और इज समी और योर सेल्फ शाउटिंग टोन कैसी है टोनैलिटी कैसी है टैम्पो कैसा है क्या बहुत तेज़ी से बातचीत हो है? या या रही है, है? या ये साउंड्स आ रही हैं बहुत तेज़ टैम्पो में हैं या स्लो टैम्पो में है क्या ये रेगुलरली आ रही हैं या कभी दब जाती हैं कभी आ जाती हैं इरेगुलर हैं क्या इनमें उतार चढ़ाव या इनफ्लैक्शन आप फील सुन सकते हैं महसूस कर सकते हैं कैन यू हेयर सर्टन वर्ड्स क्या आप कुछ खास अल्फा या कुछ अलफा सुन सकते हैं और अगर सुन सकते हैं तो वो लफ्ज़ क्या हैं वो क्या खुशी के लफ्ज़ हैं क्या वो न्यूट्रल लफ्ज़ हैं क्या वो कोई इमोशन को एग्जिबिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इस साउंड की ड्यूरेशन कितनी रहती है डज़ इट स्टे थ्रू आउट और डज इट फेड ऑफ तो इस तरह के सवालत हम अपने आप से करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कुछ ना कुछ ऑडिटरी या साउंड से कनेक्टेड या समाज से कनेक्टेड चीज़ें भी याद आनी शुरू हो जाएं अब अगर हम मैंने शुरू इसलिए विजन से किया बिकॉज मोस्ट ऑफ़ अस आर विजुअल वी फील कंफर्टेबल इन रिकलेक्टिंग मेमोरीज इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स बट वी ऑल्सो यूज अदर सेंसेस अब विजुअल एटी परसेंट ऑफ पीपल आर विजुअल जब वो अपनी इन पाँच सेंसेस को यूज़ करते हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा वो विजन को यूज़ करते हैं जब वो कोई चीज़ रिकलेक्ट करते हैं याद करते हैं तो उनके सामने तस्वीरें आ जाती हैं अस्सी परसेंट लोगों के साथ ये होता है लेकिन इसमें यह नहीं कि और कुछ सुनाई नहीं देता ज़्यादा प्रेफर्ड सिस्टम रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम या प्रेफर्ड रिकलेक्शन सिस्टम हमारा विजुअल है तो इसलिए मैंने पहले सबसे विजुअल की एग्जाम्पल दी उसके बाद जिस पर हम गौर करते हैं या जो हमारी मेमोरी में, में रह जाती हैं वो साउंडस है। और उसके बाद फिर टच की सेंसेशन हैं और जैसे मैंने कहा टेस्ट और स्मेल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी डे टू डे के में या डे टू डे मेमोरीज में अब दूसरी चीज़ इसलिए मैंने आपको याद कराई ऑडिटरी या आपको साउंड्स उसके साथ जो एसोसिएटेड थी वो याद आईं और कितनी याद आएँ तीसरी चीज़ अगर आप और गौर करें क्योंकि ये ज़रा कम लोगों को याद रहती है काइनेस्थेटिक या टच की या टेक्टाइल फीलिंग जो है ये यूजली हम स्किप कर देते हैं हमारी क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हमारा ध्यान ज़्यादा देखने में या सुनने में होता है लेकिन अगर आप गौर करें वही सीन जो आपके सामने चल रहा है जिसमें अब कुछ आवाज़ें भी ऐड हो चुकी हैं नाउ कैन यू फील द टेम्परेचर कैन यू रिकॉल और कैन यू फील हाओ द टेम्परेचर वॉज देयर इन दैट प्लेस जो आपके सामने है इस वक्त कैन यू फील द टेक्चर ऑफ योर क्लॉथ्स क्या आपने जो कपड़े पहन रखे थे क्या वो सॉफ्ट थे खुरदरे थे नरम थे क्या आपको अपनी पैरों के नीचे ज़मीन वाइब्रेट कर रही है आपके चलने से या स्टिल है क्या आप पे कोई प्रेशर फील हो रहा है आपको अपने कंधों पर किसी ड्रेस का प्रेशर या आपको हवा चलती हुई अपने चेहरे पर लगती हुई फील हो रही है और अगर हो रही है तो उस हवा का टेम्परेचर कैसा है वो गर्म है ठंडी है क्या जनरली आप टेंस हैं या आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है आप सांस ले रहे हैं ब्रीदिंग क्या वो स्लो है रिदमिक है या आप तेज़ चलने के बाद जैसे सांस तेज़ लिया जाता है वैसी है आपकी जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो आप उनका टेक्सचर महसूस कर सकते हैं कि ये एक बहुत सॉफ्ट सी ग्राउंड है इस पर मैं पैर नहीं रखूँ या ये गीली ग्राउंड है ये ड्राई ग्राउंड है ये चीज़ें हमारी कैनस्थेटिक सेंस या हमारी टच की सेंस से हमें याद हैं हमारे ब्रेन में मौजूद हैं और ये भी हमारा एक रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम सो वी हैव टॉक्ट अबाउट थ्री रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स वैसे तो पांच होते हैं लेकिन हमने ज़्यादा फोकस किया विजन पे ऑडिटरी पे और कैनस्थेटिक कम्युनिकेशन में इसका फ़ायदा ये है दैट सिंस पीपल यूज़

जो मैंने एग्जाम्पल आपको ये सारी दी है उसका मकसद ये है कि सबसे पहले तो हम अपने ऊपर ही अप्लाई करें कि हम हम किस सिस्टम को किस मोडेलिटी को प्रेफर करते हैं क्या हम विजुअल हैं क्याटिक हैं ऑडिटरी हैं जब हमें अपना पता चल जाएगा तो फिर हम दूसरों पे गौर करें बिकॉज इट विल हेल्प अस इन गेटिंग क्लोज टू दैम क्योंकि ये जो हम कम्युनिकेशन अब हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं ये जनरल कम्युनिकेशन के टूल्स से फ़र्क है जनरल में हम बात कर चुके हैं कि जनरली हम सबको माइंडफुल लिसनर होना चाहिए जनरली हम सबको ऑब्जर्वेंट होना चाहिए जनरली हम सबको लैंग्वेज केयरफुली बोलनी चाहिए जनरली हम सबको तोज्जो देनी है फोकस अटेंशन फिर हमने ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में पेरेंट एडल्ट और चाइल्ड क्यूज़ की बात की फिजिकली किस तरह डिटेक्ट किए जा सकते हैं वर्बली कैसे डिटेक्ट किए जा सकते हैं अब हम या अगेन वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट दी विजुअल कैनिस्थेटिक और ऑडिटरी क्यूज़ थ्रू लैंग्वेज विच मीन्स बहुत वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज तो इसमें हम कुछ देखते हैं पीस ऑफ लैंग्वेज जिससे पता चल सकता है हमें इस चीज़ का कि कौन पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो ऑडिट्री हैं और कौन सी पर्सनैलिटीज़ मोर लाइक विजअल है अब जो विजुल लोग हैं क्योंकि उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आँख से है विजन से है और उनको चीज़ें तस्वीरों की फॉर्म में याद रहती हैं इसलिए जब वो बात करते हैं चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें चाहे वो उर्दू में करें पर मोस्टली क्योंकि स्टडीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में हैं इसलिए हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की ही एग्जाम्पल्स होती हैं लेकिन उनको हम अपनी मुल्क की उर्दू लैंग्वेज पर भी अप्लाई करते हैं सो मोस्टली दीज पीपल हु आर यूजिंग और हु आर प्रेफरिंग द विजुअल मोडेलिटी विल स्पीक वन दे स्पीक दे विल यूज फ्रेजिज लाइक दैट रियली ब्राइटन्स माई डे अब ब्राइटन्स का ताल्लुक देखने से है Or that puts things in better perspective. Again, putting things in better perspective is visual. Or let's look at the big picture. Again, the loves look, big picture, no visual. Hai. Or the problem keeps staring at me. Here be staring a word. Jo hai, that is an indicative of a preference which is visual. Or do you see the point? यहां पर भी देखने पे सीइंग पे एम्फेसिस है कैन यू शेड सम लाइट ऑन इट शेडिंग लाइट अगेन अ विजुअल एक्शन आई कैन शो यू द वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम अब ये मुख्तलिफ बातें हैं इनका कोई एक फोकस नहीं है ये किसी से भी आपने बात की होगी या सुनी होगी बट द वर्ड्स एंड द फ्रेजेज विच यू और वी वेन वी यूज वी सॉर्ट ऑफ गिव एन इंडिकेशन अबाउट आर प्रेफरेंसेस ये हमने जरूर देखा कि बाय यूजिंग आर ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग द स्ट्रगल टू फाइंड आउट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दैट इंडिविजुअल थ्रू हिज़ बॉडी लैंग्वेज थ्रू हिज़ वर्ड्स थ्रू एंड बाय फाइंडिंग आउट हिज प्रेफर्ड मोडेलिटी वी कैन कम्युनिकेट ईजीली विद हिम हमारी उनसे कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती तो एन एल पी का बेस इट इज़ अज फील्ड लेकिन इस लेक्चर में जो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है वो ये है कि एक तो एन एल पी इज़ दी कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंटल स्टेट एंड आर बॉडी और आर लैंग्वेज वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ और दूसरे इसमें जो तीन प्रेफर्ड सिस्टम ज़्यादातर यूज़ होते हैं विजुअल ऑडिटरी कैनिस्थेटिक उनको डिटेक्ट किस तरह करना है अल्फाज से फ्रेजे से बॉडी लैंग्वेज से और जब वो डिटेक्ट हो जाएँ तो फिर उनका अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है सो देट आर कम्यूनिकेशन कंटिन्यूज़